वेलकम टू मालदीव्स। अज असी व्लॉग करांगे थोड़ा जा पंजाबी विच। असी लोग जा रहे हैं विलिंगली आइलैंड, क्योंकि हुण लॉकडाउन खुल गया है, हुण असी आजाद हाँ, कितने भी जा सकते हो। चलो आज फिर तुहानू दिखांदे विलिंगली आइलैंड। ये सेम अपने दिल्ली मेट्रो के जैसा यहाँ पे हिसाब है, आपको सिर्फ जस्ट वो कार्ड लेना है और ये टिकट है। और ये देखो अबराम का टिकट सबसे सस्ता है 1.75। और ये हम लोगों के लिए कार्ड है। और ये अभी हम लोग विलिंगली आइलैंड पहुंच चुके हैं और अबराम जो है बहुत ही ज़्यादा खुश है, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है। और ये पीछे सुक्की, ओए होए होए होए। और अब ये अबराम का BMW भी है साथ में, जो यहाँ पर अभी चलाएगा। और इस आइलैंड पे आने के बाद एक सबसे अच्छी चीज़ पता क्या है कि एक अलग ही नज़ारा होता है जब आप इस आइलैंड से ये पीछे माले आइलैंड देखते हो। दिस इज द कैपिटल ऑफ मालदीव्स। और वो जो दूर आप देख रहे हो वो माले आइलैंड है, वो आप यहाँ देख सकते हो। जो सामने है वो माले आइलैंड है। हम वहाँ से यहाँ तक बोट से आए हैं और ये जो सफ़र है ये 10 से 15 मिनट तक का सफ़र था हमारा। और ये देखिए अबराम अभी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहा है। और ये यहाँ पर इन्होंने एक छोटी सी रोड बना रखा है कि आप यहाँ पर आके अपना फोटो शूट कर सकते हो। देखो कितना प्यारा क्लाउड है। अबू कम 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 कम, ये यार आज कितना टाइम हो गया यहाँ पर आए हुए। अबराम वो टाइम पे शायद 6 महीने का था ना जब हम इसको लेके आए थे। भाई साहब ये 6 महीने के बाद अभी कितना हो गया, पूरे 1.5 साल के बाद ये इस आइलैंड पे आ रहा है और हम लोग सिर्फ इतनी दूरी पे हैं। और हम लोग का घर जो है वो इसके बिल्कुल अपोजिट, एकदम हम उस जगह पर रहते हैं। हम लोग जा रहे हैं ये आइलैंड के अंदर। यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा कि इधर यहाँ के लोगों का घर कैसा है, ये लोग कैसे रहते हैं। और आगे एक बीच है। एक्चुअली इस आइलैंड पे इतना कुछ है नहीं, बट बहुत ही साइलेंट है। आप देख रहे होंगे कुछ भी, इतना वॉइस नहीं है, इतना गाड़ी का शोर नहीं है, कुछ भी नहीं है इधर। और ना ही इतने लोग हैं यहाँ पर, बहुत ही छोटा आइलैंड है। शायद आप पूरा जो राउंड हमने लास्ट टाइम पे वो माले सिटी में 10 से 15 मिनट का पूरा राउंड लिया था, यहाँ पर आप
शायद 4 से 5 मिनट में आप ये लोग ग्राउंड पूरा कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये जितनी भी गाड़ियाँ हैं सब बैटरी बाइक है, ए टू जेड। इसके तो मज़े आ रहे हैं भाई साहब आज। अब वो कम फर्स्ट 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 ये। और ये एक छोटा सा जिम इन लोगों ने यहाँ पर इस आइलैंड पे बना रखा है। अभी जो सुखी है अब्राहम की जो टेकर है वो देखिए उसको यहाँ पर थोड़ा सा एक्सरसाइज करना है। बोलती है भैया मैं बहुत मोटी हो गई हूँ यहाँ पर आकर। इसके तो मज़े आ गए भाई आज। ये बहुत ही खूबसूरत इन लोगों ने यहाँ पर ये एक मस्जिद बनाई है। ने वो राज मूवी देखी थी डीनो मोरिया की और विपाशा बासु की, उसमें जो राज मूवी के जंगल होते हैं वो मैं आपको जंगल दिखाता हूँ। वाकई में अगर आप यहाँ पे रात में आ रहे हो तो भाई साहब डेयरिंग है फिर आपकी, अकेले नहीं आ सकते आप इधर रात में, क्योंकि पूरा एक तो सुनसान है। अभी देखो दोपहर का टाइम है यहाँ पर, ये 2 बज रहे हैं, कितने लोग हैं इस पूरे आइलैंड पे आप देख सकते हो। और वही अगर आप रात को इस जगह से गुजर रहे हो बाबा, फिर आप ही लगा लो अंदाज़ा। ये सारे पूछे कौन से हम शहर के, ये सारे पूछे कौन से हम शहर के, ये सारा पूछे कौन से हम शहर के, यूपी बीच बीच नॉर ट्रेंड पे गाने बनते हैं मेरे शहर पे, मुझसे क्यों पूछते हो गूगल करो नेट पे, ये सारा पूछे कौन से हम शहर के, यूपी बीच बीच नॉर ट्रेंड पे गाने बनते हैं मेरे शहर पे, मुझसे क्यों पूछते हो गूगल करो नेट पे, ये सारे पूछे कौन से हम शहर के, ये सारे पूछे कौन से हम शहर के, ये सारे पूछे कौन से हम शहर के, ये सारे पूछे कौन से हम शहर के। आप लोग पीछे देख सकते हैं ये सारी बोट्स हैं जो कि एज अ पार्किंग के लिए यहाँ पे खड़ी हैं, सर्विस रिपेयरिंग या फिर इन जो भी मतलब यहाँ का जो फूड आइटम्स वगैरह आता है वो सब माले से इधर आता है। घूमता फिर रहा है छोरा हमारा बिजनौरी। बिजनौरी नहीं यार, गीता कॉलोनी भी है थोड़ा थोड़ा, वरना ये माइंड कर जाते हैं। गीता कॉलोनी दिल्ली, दिल्ली से। सीरियसली यार इतना खूबसूरत नज़ारा है ना, ये देखिए यहाँ के घर ऐसे होते हैं जैसे अपने बिजनौर में होते हैं ना उत्तर प्रदेश के अंदर। ये यहाँ का हॉस्पिटल है एक छोटा सा, एक छोटा सा कॉफ़ी शॉप है यहाँ पर। यार इधर से चलते हैं अंदर, अब